नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब वॉलेट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के ताज़ा अपडेट। दोस्तों, गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार ने के जो अंडर में एफिलेटेड कॉलेज आते हैं उनकी डेटशीट आ चुकी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इस डेटशीट के बारे में पूरी डिटेल मिल सके कि कौन से सब्जेक्ट्स के आपके पेपर होने हैं, ठीक है जी, और कौन से स्ट्रीम के रहेंगे और कब से कब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आगे आने वाली गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स का वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, GGUST.ac.in पे, ठीक है जी। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद में आप आओगे एग्जामिनेशन में क्लिक करने के साथ ही एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आप आ जाएंगे एग्जामिनेशन डेट शीट के अंदर, ठीक है जी। इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका दिखा रखा है यहाँ पे थ्योरी डेट शीट ऑफ BA ऑनर्स, BMC, BCOM जर्नल ऑनर्स और BSc कंप्यूटर साइंस, BBA, BCA एंड LLB 3 ईयर्स और 6 सेम 4 मेन कैंडिडेट्स, ठीक है जी। ये नया नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 26 मई 2020 को आया हुआ है। पहले हम इस पर क्लिक करके इसको डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक किया ये देख सकते हो ये PDF फाइल में आपके डाउनलोड हो जाएगी। ये मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है तो ये देख सकते हो अब ओपन हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हो गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार A ग्रेड NAAC सर्टिफाइड, ठीक है जी। और ये देख सकते हो थ्योरी डेट शीट ऑफ द BA ऑनर्स, BMC 6 सेम 4 मेन कैंडिडेट्स के लिए डेट शीट आई हुई है। और एग्जामिनेशन रहेगा आपका 13 जुलाई 2020 से स्टार्ट है, ठीक है जी। और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन का रहेगा आपका सुबह 9 बजे से 12 बजे नून तक, ठीक है जी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एज पर एडमिट कार्ड और रोल नंबर स्लिप पे आपके आ जाएगा भी कौन से कॉलेज में और कहाँ पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। ये फर्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें 13 जुलाई को देखते हो एग्ज़ाम स्टार्ट है। इसमें रहेगा आपका पेपर ए, पेपर 6, 302 नंबर, पेपर 15-16 नंबर, ठीक है जी। इसमें देख सकते हो आप पेपर एंड सब्जेक्ट पेपर इसमें आपके दिए हुए हैं, ये आप डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है जी। इसी बात करते हैं तो फर्स्ट रहेगा आपका एडवर्टाइजिंग फंडामेंटल बोथ लैंग्वेज कॉमर्शियल आर्ट डिज़ाइनिंग एंड पेंटिंग, ठीक है जी। और ID नंबर आप दे सकते हैं, ये रहा आपका। और पेपर ये रहेगा पेपर 6 रहेगा फंक्शनल इंग्लिश का, 302 नंबर फैशन डिज़ाइनिंग का, और पेपर 16 है आपका प्रिंट प्रोडक्शन BA मास कम्युनिकेशन का, ठीक है जी। 14 जुलाई को आप दे सकते हो पेपर आपका डिफेंस स्टडी का रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद में हिंदी का इलेक्टिव उसी तारीख उसी डेट को, संस्कृत इलेक्टिव का रहेगा, कंप्यूटर साइंस का रहेगा आपका पेपर, और मॉडर्न ब्रिटिश लेक्चरर का रहेगा सेकंड, स्टेटिकल मेथड ऑफ ज्योग्राफी और इकोनॉमी स्टेटिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। ये आपका कोड दे रखे हैं उस पेपर के। 15 जुलाई को आप दे सकते हो ये पेपर दे रखा है, 16 जुलाई को इंग्लिश का दे रखा है, 17 को टेलीविज़न प्रोडक्शन का दे रखा है, 17 को डायनेमिक्स का दे रखा है, 18 तारीख को आप दे सकते हो पॉलिटिकल साइंस का दे रखा है, उसी में पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट दे रखा है बोथ लैंग्वेज का, ठीक है जी। 20 जुलाई को आप दे सकते हो ये पेपर दे रखे हैं विद कोड दे रखे हुए कौन कौन सा पेपर रहेगा आपका, ठीक है जी। 21 जुलाई को दे सकते हो आप ये पेपर होंगे आपके 21 जुलाई को अलग अलग सब्जेक्ट्स के। वहीं आप देखते हो 22 जुलाई को दे सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा, 23 जुलाई को दे सकते हो इंडियन राइटिंग इंग्लिश, और ये फील्ड सर्वे ज्योग्राफी ये आप पेपर कोड दे सकते हो, ठीक है जी। 24 जुलाई को आप दे सकते हो आपका हिंदी कंपलसरी का रहेगा और संस्कृत कंपलसरी का रहेगा, 25 जुलाई को आपका ज्योग्राफी सेटलमेंट्स का दे रखा है, करंट अफेयर का दे रखा है, BA मास कम्युनिकेशन का, 27 जुलाई को दे सकते हो साइकोलॉजी का है बोथ लैंग्वेज में, ठीक है जी। उसी डेट को आपका मॉडर्न वर्ल्ड लेक्चरर का रहेगा, और 28 को देख सकते हो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी के जितने भी ये पार्ट्स हैं उसके पेपर होंगे, सब्जेक्ट कोड साथ में आपके दे रखा है। 29 जुलाई को देख सकते हो पेपर वन BME 362, ठीक है जी। म्यूजिक के पेपर हो जाएंगे आपके। 30 जुलाई को देख सकते हो आप हिस्ट्री मॉडर्न वर्ल्ड का है, हिस्ट्री मॉडर्न यूरोपियन का, हिस्ट्री राइज इन इंडिया रिपब्लिक का, ठीक है जी।
ये आप देख सकते हो पूरी डिटेल से दिया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में दे रखा है आपका थ्योरी पेपर डेट शीट ऑफ बी कॉम जनरल होना 6 सेम मेंस कैंडिडेट के लिए, ठीक है जी। डेट ऑफ टाइम रहेगा आपका मॉर्निंग 9 से 12 बजे का, ये दे 13 जुलाई को है, 17 को है, 20 को है, 22 को है, 25 को, 27 को है, ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज ये सारे दे रखे हैं, सब्जेक्ट एंड पेपर, ये पेपर रिपोर्ट दिए हुए हैं और ये आईडीज नंबर दे रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई कब आपका पेपर रहेगा, ठीक है जी, और कौन कौन से सब्जेक्ट का किस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रहेगा आपका बीएससी की डेट शीट भी आ चुकी है, बीएससी 6 सेम की, ठीक है जी। ये आपका फॉर मेंस कैंडिडेट के लिए रहेगा 13 जुलाई से स्टार्ट रहेंगे आपके, और ये आपका डेट ऑफ टाइम रहेगा इवनिंग का रहेगा, ठीक है जी, 2 से 5 बजे का। ये आप देख सकते हो 13 जुलाई को है पेपर, 15 को है, 17 को है, 20 को है, 22 को है और 24 जुलाई को, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देख सकते हो 22 जुलाई को है फिजिक्स का है, 24 जुलाई को बॉटनी कंप्यूटर साइंस का है, केमिस्ट्री का है, 25 को देख सकते हो ज्योग्राफी का है, 27 को केमिस्ट्री का दे रखा है, 29 को जैसे तो सब्जेक्ट कोड भी दे रखा है साथ में, ठीक है जी, और 30 को मैथ का दे रखा है। नेक्स्ट डेट शीट आ चुकी है आपकी बीबी और बीसी की, ठीक है, 6 सेम की फॉर मेंस कैंडिडेट के लिए रहेगा। इसका टाइम रहेगा आपका सुबह से 9 से 12 बजे का, ठीक है जी। आप दे सकते हो पूरी डिटेल से दिया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 13 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट है, 13 है, 15 है, 17 है, 22 है, 27 है और 29 जुलाई है। या पेपर सब्जेक्ट कोड दे सकते हो, बीबीए वालों का है तो 302 से स्टार्ट है और बीसीए वालों का 361 नंबर से स्टार्ट है। आगे आपके सब्जेक्ट और पेपर दे रखे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका थ्योरी पेपर ऑफ LLB 3 ईयर्स, इनमें 6 सेमेस्टर का 4 पेपर मेंस कैंडिडेट के लिए पेपर रहेगा, और ये आपका टाइम में रहेगा 9 बजे से 12 बजे, ठीक है जी। इसमें 13 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट है, 13, 17, 22, 27 को आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं LLB वालों के केवल 4 ही पेपर रहेंगे, सब्जेक्ट पेपर कोड दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद में पेपर सब्जेक्ट एंड पेपर देखा, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, टैक्सेशन, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इंटेलिजेंस, प्रॉपर्टी लॉ, वुमेन एंड लॉ और इंटरप्रेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है जी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। ये तो बात हो गई BA, BCom, BCA वालों के लिए। अब चलते हैं दूसरी डेट शीट की तरफ। दूसरी डेट शीट आप दे सकते हो, इसमें देखा थ्योरी पेपर डेट शीट ऑफ MSc ज्योग्राफी है, MA इकोनॉमिक्स है, MA साइकोलॉजी है, MA पॉलिटिकल साइंस है, MA इंग्लिश है, MA संस्कृत है, MA हिंदी है, PG डिप्लोमा इन योगा है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो, इस पर हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अब देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इधर है थ्योरी डेट शीट ऑफ MSc ज्योग्राफी 4 सेम फॉर मेन एंड रीअपियर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है जी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा आपका इवनिंग का रहेगा 2 से 5 बजे का, और आपके जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एज पर एडमिट कार्ड एंड रोल नंबर स्लिप पे आपके सेंटर का एड्रेस दे दिया जाएगा। 13 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट है, 13 से है, फिर 15, 17, 20, 22 को आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है जी। आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहेगा आपका MSc ज्योग्राफी का है, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं, ये देख डेट शीट दे रखी है MA इकोनॉमिक्स के 4 सेम मेन एंड रीअपियर कैंडिडेट्स के लिए। टाइम ऑफ एग्ज़ाम रहेगा आपका इवनिंग 2 से 5 बजे का, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एज पर एडमिट कार्ड और रोल नंबर स्लिप। 13 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, MA इकोनॉमिक्स का, ठीक है। 13 से आपका एग्ज़ाम है, 15, 17, 20 और 22 है, ठीक है जी। ये आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट रहेगा आपका थ्योरी पेपर डेट शीट ऑफ MA साइकोलॉजी, ठीक है जी। ये है 4 सेमेस्टर के लिए मेन और रीअपियर कैंडिडेट के लिए। डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगा आपका इवनिंग 2 से 5 बजे का, ठीक है जी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपकी डेट शीट रहेगी MA साइकोलॉजी, ठीक है जी। 13 तारीख को है, 15 को है, 17 को है, 20 तारीख को है, ठीक है जी। आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट रहेगा आपका MA पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है जी। आप दे सकते हो, थ्योरी डेट शीट रहेगी MA पॉलिटिकल साइंस के 4 सेमेस्टर मेन एंड रीअपियर कैंडिडेट्स के लिए।
एग्जामिनेशन रहेगा आपका 13 जुलाई से स्टार्ट है, पेपर रहेगा आपका इवनिंग को रहेगा 2 से 5 बजे के, ठीक है जी। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, 13 तारीख को है, 15 को है, 17 को है, 20 को है और 22 तारीख को, ठीक है जी। MA पॉलिटिकल साइंस वालों के कैंडिडेट्स के लिए है। नेक्स्ट आएगा आपका MA इंग्लिश के लिए डेट शीट ऑफ MA इंग्लिश, ठीक है, 4 सेमेस्टर के लिए है। एग्ज़ाम रहेगा आपका 2 से 5 बजे तक का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहेगा आपका एग्ज़ाम 13 को है, 15 को है, 17 को है, 20 को है और 22 को है, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट आएगा MA संस्कृत से, ठीक है जी। MA संस्कृत से आपका मेन और रीअपीयर कैंडिडेट्स के लिए रहेगा और आपका टाइमिंग रहेगा इवनिंग को 2 से 5 बजे। ये आपकी दे रखी है एग्ज़ाम डेट शीट 13, 15, 17, 20 और 22 को है, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी आपकी है MA हिंदी के लिए थ्योरी डेट शीट ऑफ MA हिंदी 4 सेम के लिए फॉर मेन एंड रिपीयर कैंडिडेट्स के लिए। एग्ज़ाम स्टार्ट रहेंगे आपके 13 जुलाई से और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा इवनिंग का रहेगा 2 से 5 बजे का और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा एज पर एडमिट कार्ड एंड रोल नंबर स्लिप, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो MA संस्कृत के लिए जो सॉरी MA जो हिंदी के लिए है 13 जुलाई 15, 17, 20 और 22 जुलाई को आपका एग्ज़ाम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ये आपका एग्ज़ाम रहेगा थ्योरी डेट शीट ऑफ PG डिप्लोमा इन योगा, ठीक है जी, योगा एंड मेंटल हेल्थ 2nd सेम फॉर मेन कैंडिडेट्स के लिए आपका एग्ज़ाम रहेगा ये। और आपका एग्ज़ाम होगा शाम को यानी कि इवनिंग में 2 से 5 बजे की शिफ्ट में और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एज पर एडमिट कार्ड और रोल नंबर स्लिप के आपको मेंशन कर दिया जाएगा भी कहाँ आपका रोल नंबर आया है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ये आप दे सकते हो, ये आपके पेपर रहेंगे, इसमें आपके 3 पेपर रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपका 17 तारीख को रहेगा, 15 को रहेगा और 17 को रहेगा। इसमें अलग बैच के हिसाब से दे रखे हैं, 2018 के बैच के हैं, 19 के बैच के हैं, ठीक है जी, 18 के, 19 के बैच के, 18 और 19 बैच के हैं। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। ये रहेगा आपका PG डिप्लोमा इन योगा कैंडिडेट्स के लिए आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये डेट शीट ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने फाइनल हो चुके हैं, 13 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आएँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें जिससे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।